पवई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बता दें कि छत्रसाल स्टेडियम में शंखनाथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता संजय नगायच ने कहा कि सामंतवादी मंत्री के इशारे पर प्रहलाद लोधी को टिकट दिया गया। कार्यकर्ताओं ने योग्य प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। साथ ही 29 अक्टूबर तक बीजेपी हाईकमान यदि प्रत्याशी परिवर्तित नहीं करती तो 30 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात कही। दादा यहाँ किस लिए आए थे आज? हम आ रहे विधायक जी चेंज करने लिए। हमारे मन का विधायक नहीं है। कौन विधायक नहीं है मन का? क्या नाम है उसका? ये प्रहलाद जी। अच्छा। हाँ, विकलांग है वो। हाँ। कुछ कारवान कुछ काम ने विकास किया। अच्छा, तो अपने खर्चे से आए क्या, कोई लेके आए? अपने खर्चे से आए। अच्छा, किसी हम कहाँ से आए आप? हम आए हैं सायपुर से, हम सारमपुर। काय के लिए आए थे यहाँ? हमने आए हैं विधायक बदलने। अच्छा, कह जो विधायक अच्छा नहीं क्या? अच्छा नहीं है तो। अच्छा, तो कौन विधायक बनाना चाहते हो तुम लोग? हमारे मन से संजय नगायच। अच्छा, ऐसी परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे, तो उसी कमिटमेंट के आधार पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग अपनी बात पर कायम हैं। ये सब हमारे पवई विधानसभा के जो भाजपा के जो शुभचिंतक हैं, असली शुभचिंतक, असली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश में भाजपा का शासन फिर से हो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से बने, वो शुभचिंतक कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा विधायक पुनः बन जाएगा। बरसों हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को काम किया था, काम किया है। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी को बचाने निकले हैं। जिस प्रकार का प्रत्याशी किसी कारणवश यहाँ आया है वो अयोग्य है। जनता की जनभावना है, कार्यकर्ताओं की इच्छा ये है कि किसी भी हालत में नहीं जीतेगा। इसने 5 साल जिस प्रकार की निष्क्रियता कर्मण्यता दिखाई है, उस प्रकार से पूरा जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से परास्त होगी। हमने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके सबको निवेदन किया है कि इस प्रत्याशी पर पुनर्विचार करके इसको बदला जाए।